भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के जगनपुरा विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर पोल खोल अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि जब से नव भारत नाम की रिपोर्ट आई है तभी से राजनीति तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में दिल्ली की गरीब जनता के विकास के पैसे 171 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर अपने लिए शीश महल पर खर्च किए हैं। कर्नाटक की 224 सदस्य विधानसभा के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जहां कांग्रेस ने 135 सीटों पर दमदार जीत हासिल की है। जब से नतीजे सामने आए हैं तब से पूरे देश में कांग्रेस पक्ष के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लगातार कल से जीत के जश्न का सिलसिला जारी है। उसी प्रकार नागपुर शहर में भी जोरों शोरों से जश्न मनाया गया है। शहर के मेडिकल चौक में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आतिशबाजी की, मिठाई बांटी, साथ ही हनुमान चालीसा का वितरण भी किया गया। इस समय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव गिरीश पांडव ने कहा कि बजरंगबली जो कि चमत्कारी है, उन्होंने कांग्रेस के हित में चमत्कार दिखाया है, जिसके चलते हनुमान मंदिर परिसर में जश्न मनाकर हनुमान चालीसा का वितरण कर रहे हैं। अभियान है या यूं कहें हमारा पोल खोल अभियान है, जो हमें पहले प्रदेश स्तर पे हम लोगों ने किया, बहुत बड़ा धरना हर जिला शहर केजरीवाल के निवास स्थान पे किया गया। उसी श्रेणी में, उसी क्रम में हम लोग हर विधानसभा में कार्यक्रम पूरे दिल्ली प्रदेश में करने जा रहे हैं। आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग लूंगा ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा ना ये लूंगा ना वो लूंगा, लेकिन इससे छोड़ा कुछ भी नहीं। आप सबकी जानकारी में बताता हूं, अभी जो इसका मकान है, आपको जान के हैरानी होगी, जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं केवल एक कमरे के मकान में रहूंगा, आज उसके उस घर में 110 कमरे हैं। जहां पर वो रह रहा है उस घर को हम लोगों ने नाम दिया शीश महल। इतना बड़ा घर अंडानी अंबानी का भी नहीं है जितना बड़ा घर उस भ्रष्ट व्यक्ति ने अपने लिए बना लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये मेरी माताएं बहने बैठी है, हम लोग भोकल के मिडिल क्लास के लोग हैं। अन्ना हजारे जी का उनके लिए बहुत इज्जत लोगों के दिल में थी, अभी भी रहेगी, लेकिन उनके जो चेले थे उनको इनकैश किया लोगों ने उस आंदोलन को, तो देखो ज्यादा से ज्यादा साइकिल पे हम उसी घर में रहेंगे जो घर हमें पहले मिला हुआ है। कोई भी सरकारी फैसिलिटी नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये तो सरकार ही उसी की है जो ना खाता है ना खाने देता है, ना सोता है ना सोने देता है। उसकी माँ ने उसका क्या नाम रखा है, नरेंद्र भाई? जोर से बोलो। मैं नहीं सुनया। एनबीसी न्यूज़ के लिए अजय कुंवर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।